स्टील वालों को मेरा सलाम। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। इसमें आपको दो वैरायटी होती है, एक तो होती है 202, दूसरी होती है 304। अब 202 होता है वो थोड़ा हल्का होता है, इससे जो बेटर क्वालिटी होती है वो होती है 304। अगर आप घर में कहीं भी यूज करें तो आपको ज्यादातर 304 को प्रेफर करना चाहिए। ये थोड़ा कॉस्टली होता है 202 के मुकाबले में। और बात करेंगे कि इसको आपकी फिनिशिंग कैसी रहती है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो रेलिंग है वो आपकी 304 में कैसे प्रोसेस होता है और इसके बारे में और ज्यादा बेटर आपको नॉलेज मिलेगी कि 304 आपका कैसा स्टील है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों पर ये होल किए जा रहे हैं। पहले फास्टनर के द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन अब इसमें होल के द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी रेलिंग लूज नहीं होती। इसमें ये अंदर चला जाता है और इतना ये हिलता नहीं है। फास्टनर आपके कुछ दिन बाद ढीले हो जाते थे, लूज हो जाते थे और वो हिलने लगते थे, लेकिन अब वो दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप इसको होल करवा के सीढ़ियों में फिर लगवाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है हथौड़ी से पेच ठोके जा रहे हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल भी लूज नहीं रहेंगे और इसके अंदर वाइट सीमेंट भर दी गई है, जिसके कारण ये हिलेंगे नहीं और ये अपनी जगह पे रहेंगे। इससे आपका लेवल चेक किया जाता है कि ये आपका टेढ़ा तो नहीं है। अगर टेढ़ा होता है तो इसको लेवल करके इसको ठीक किया जाता है, जिस पर आपकी रेलिंग परफेक्ट सीधी नज़र आएगी। इसका बहुत फ़ायदा है। अगर आपके यहाँ पे कोई रेलिंग लगाने आता है तो आप देखें उसके बाद ये लेवल हो। इसी तरह से फिर ये रेलिंग की तैयारी कर रहा है, इनको थोड़ा सा ऊपर से काट के इसको एडजस्ट कर रहा है ताकि ऊपर वाला जो पिलर है वो इधर वेल्ड कर सके। इसमें आप देख पा रहे हैं ग्लैंडर से इसकी कटिंग की जा रही है। अब यहाँ पर जो ये पिलर लगाया गया है, ये आपका 18 गज में पाइप है, ये है 304 स्टील में पूरी आपकी रेलिंग। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये रस्टिंग नहीं खाती, और जैसे कि आप देखते होंगे कईयों के जो रेलिंग में जो है रस्टिंग आ जाती है, जंग पकड़ जाती है, तो वो 202 होता है, बस वो जल्दी आपका जंग पकड़ लेता है, लेकिन ये वाला आपका जंग नहीं पकड़ता, जिसके कारण ये आपके ज़्यादा समय तक चलता है। इधर आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा किया गया ताकि जो है जीना चौड़ा रहे, इसके कारण इसको थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ही रखा गया ताकि यहाँ पे जीने पे जगह कम ना हो, अगर कभी कोई सामान चढ़ाना हो तो उसके लिए पूरी जगह निकल के आए। और इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर थोड़ा सा इसे कटआउट करके यहाँ पे आपका पिलर वेल्ड किया जाएगा। पहले इसमें कच्ची वेल्डिंग की जाती है, मतलब थोड़े थोड़े टाकों से ही इसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आपका आप इसमें होल में देख पाएंगे तो वेल्डिंग होती है तो अंदर कैसे होता है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़े ही टाके लगाए जाते हैं, बाकी टाके आपके गैस वेल्डिंग से होते हैं इसके अंदर, ताकि आपके स्टील में किसी भी तरह का टाका नजर न आए। और देखेंगे तो आपके आप मेन गेट भी बनवाते हैं तो आपको वो भी 304 में ही बनवाना चाहिए ताकि उसमें रस्टिंग ना आए, या फिर ऊपर की जो है कहीं से भी आप स्टील यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादातर हो सके तो 304 को प्रेफर करें। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, फिर आगे आपको जो है बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये अपनी शाइनिंग इसकी ऐसी ही रहती है, और अगर आप इसको पॉलिशिंग करवाते हैं तो इसकी पॉलिशिंग इजली होती है, ये नई की तरह हो जाता है और ये वैसा ही लगता है जैसा कि आप नया परचेज करते हैं। बाद में देखा जाए तो मैंने इसमें नॉर्मल ही रखे हैं, क्योंकि पिलर भी इसमें जो मैंने फिक्सिंग वाले नहीं रखे ताकि सफाई करने में कोई दिक्कत ना हो, डस्ट जल्दी जमे ना। अगर पिलर सीधे रहते हैं, स्ट्रेट होते हैं, जितना पाइप स्ट्रेट होगा उतनी डस्ट आपकी कम जमेगी और उसकी शाइनिंग जल्दी ख़राब नहीं होगी, इसलिए और वो जल्दी भी साफ भी हो जाते हैं आपके सीधा नॉर्मल कपड़ा लगाने से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे कर दी गई है। अगर वैसे मेरे बाद में दिमाग में आया, अगर आप इसको यहाँ पे लाने की बजाय थोड़ा पहले से ही टर्न करवा लेते, क्योंकि ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप देखना कि अगर आपको अगर ऊपर स्पेस ज़्यादा चाहिए हो तो इसको थोड़ी सी आगे से ही टर्न करवा लें। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, दूसरा आपके ऊपर की तरफ जो है जीने में जगह भी बढ़ जाएगी और आगे आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं जगह को। अब ये यहाँ पे इसे कट आउट करके अब ये कर रहा है, तो मेरा इसी चीज़ में 2 फुट जगह, दो तो नीचे 2 ऊपर, 4 फुट लगा लीजिए, 4 फुट के
पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं 4-5 फुट के। बाकी यही कंटिन्यू करके अभी यहाँ पे गोलियाँ फिट की जा रही हैं, जहाँ पे अब नीचे छोटी स्टील की जो है रोड लगाई जाएंगी। ये आपके जो है 3 पीस कटआउट करे गए हैं, तो 3 पीस आपके यहाँ पे ये रोड लगेंगी जो आपकी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपके जीने में एक ऊपर सपोर्ट के लिए भी वेल्ड किया जाएगा। पहले फास्टनर लगाए और उसके बाद ऊपर एक पॉइंट पे इसे वेल्डिंग कर दिए, ताकि ये जीना बिल्कुल भी हिले ना। और ये यहाँ पे गोलियों को भी वेल्ड कर रहे हैं रोड के साथ, ताकि ये आगे तक अपनी जगह पर ही रहे, इधर से हिले नहीं। कंफर्म आप ये कंफर्म करें कि आपके जो नीचे ये छोटे पाइप भी लगाए जा रहे हैं वो भी आपके 304 में ही हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो वो हैं वेल्डर वो 304 की जगह नीचे वाली 202 लगा दें और फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो। आप उनसे पहले ही बात करें कि हमें पूरा जो ऊपर से नीचे तक रेलिंग है 304 में चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप कहीं भी हार्डवेयर की शॉप पे जाइए और उनको बोलिए स्टील को चेक करने वाला केमिकल दे दें। आपका ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 50 से 100 रुपये के बीच में आएगा। आप स्टील के ऊपर कहीं पर भी थोड़ा सा केमिकल डालेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टील है वो कौन सा है, 202 है या 304, उसके भी आप पता कर सकते हैं। अब ये हमारी यहाँ पे गैस वेल्डिंग शुरू हो गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक जो पतली सी नज़र आ रही है ये आपकी स्टील है, स्टील की वायर है जो अंदर फिल की जा रही है जहाँ पे पॉइंट है। जब भी आपका गैस वेल्डिंग का घर पे काम हो तो आप अपने छोटे बच्चों को इस चीज़ों से दूर रखें और ग्लेंडर से भी दूर रखें, क्योंकि उसका पत्ता टूट कर आपके बच्चों के लग सकता है। तो अपने बच्चों को प्लीज़ दूर रखें ऐसी जगह से। ये आपके आप देख रहे हैं जो गैस वेल्डिंग होती है ये आपके आँखों में चुभेगी, आप इसको कंटिन्यू काफ़ी देर तक ना देखें, क्योंकि इससे आपको रात को सोने में दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ ये काफ़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि आपके यहाँ पे गैस भी होती है और साथ में वेल्डिंग भी होती है। आप देख पा रहे हैं ये सारे जो भी पॉइंट हो जहाँ पे थे कच्ची वेल्डिंग थी, अब उन्हें पूरी तरह से भरा जाएगा, जिसके कारण अब वहाँ पे भी कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये काट के लगाए गए हैं, ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट इसी के साथ अटैच है। ये यहाँ पे हर पॉइंट को पूरी तरह से भर रहे हैं, ताकि इसमें किसी भी तरह का छेद ना रहे। और इससे का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपका जो है स्टील ही फिल किया जाता है, तो बाद में फिनिशिंग के बाद ये इसके साथ ही लगता है, ऐसा नहीं पता चलता कि यहाँ पे किसी भी तरह का टाका लगाया गया है। अब ये देखेंगे छोटी गोलियाँ भी लगाई जा रही हैं, जिसमें ये भाई उन गोलियों को पकड़ रहे हैं और ये यहाँ पे उन्हें वेल्ड की कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि गैस वेल्डिंग के पास में इसी के हाथ हैं, जो अगर लगाने वाले का थोड़ा सा भी हाथ डिसबैलेंस हो तो इसके काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इनको थोड़े सेफ्टी गैजेट रखने चाहिए पकड़ने के लिए। मैंने इन्हें कहा था भी था कि आपको कुछ ऐसा चीज़ लेनी चाहिए जिससे आप दूर से इसे पकड़ सकें, बाकी कुछ कर नहीं सकते, इंडिया जुगाड़ों पर ही चलता है। बाकी आप मास्टर पिलर की फिनिशिंग देख रहे हैं, जहाँ पर भी टाके लगाए गए हैं अब उनको जो है पत्ते के द्वारा साफ़ किया जा रहा है। इसमें आपके कैलेंडर पे एक पत्ता लगाया जाता है, जिससे ये जो मोटे मोटे ऊपर जो नज़र आ रहे हैं ताकि उन्हें फिनिश करके छोटा कर देता है। ये हमारा पहला फर्स्ट पत्ता यूज़ किया जा रहा है घिसाई के लिए, अब इसके बाद सेकंड पत्ता यूज़ होगा इससे थोड़ा सा और बारीक, जो इसको बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड करेगा। देखिए अगला इसमें अब ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एल्बो लगाई गई थी। अब आपकी फाइनल कोटिंग का टाइम आ गया है, जिसमें आपकी ये एंगल ग्राइंडर पर से पॉलिश की जाएगी। आप देख पा रहे हैं इसमें एक वाइट डिस्क है और एक ब्लैक कलर का साबुन आता है, जिससे आप पॉलिश खुद भी कर सकते हैं। बाकी देखिए ये इसे लास्ट फिनिशिंग पॉइंट दे रहा है, जिधर भी टाके लगे थे वहाँ पे रबिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ से किसी भी तरह का टाके का निशान ना रहे और फिर नए की तरह चमके, और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का जॉइंट हुआ था। और देख रहे हैं तो एक बार आप जब भी कभी करवाएं तो एक बार ऊपर से नीचे अपने स्टील को चेक कर लें, ताकि आपको पता चले कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो
तो ये तभी की तभी आपके स्टील को ठीक कर जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इनके पास जा रहे हैं ताकि एक बार जाने के बाद ये दोबारा जल्दी आते नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।